ईशा के साथ जिस तरीके से अब ईशान ने अपने ही जन्मदिन पर बदतमीजी की है, ये बात काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ ईशा को बुरी लगी है बल्कि अब इन सारी हरकतों से टूट चुका है शांतनु भी। शांतनु को ये बात समझ में आ चुकी है कि ईशान के मन में लगातार जो है ईशा को लेकर नफरत बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि शांतनु ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। क्या करने वाला है शांतनु, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं किस तरीके से अब ईशान ईशा को लेकर पूरी महफिल में जो बातें करता नज़र आया, जिस तरीके से उसकी तौहीन करता नज़र आया है, ये बात अब ईशा को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ईशा इन सारी बातों को लेकर बेहद परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ईशान के मन में इतनी ज़्यादा नफरत कैसे आ चुकी है। हम आपको बताते हैं कि अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद शांतनु ने बड़ा फैसला ले लिया है। शांतनु ने फैसला ले लिया है कि अब वो ईशा के साथ खुद भी भोसले परिवार छोड़कर चला जाएगा। लगातार अक्का और राव साहेब उसके सामने इस बात को लेकर शर्त रख रहे थे कि या तो वो तलाक दे दे ईशा को या फिर भोसले निवास छोड़ दे। तो अब शांतनु ने फैसला लिया है और वो भी ईशान को छोड़कर चला गया है। जी हाँ, वो भी ईशा का साथ देगा और वो जा चुका है अब ईशा के साथ ही। ये सब देखकर ईशान, अक्का और राव साहेब सभी बेहद हैरान और परेशान हैं। हम आपको बता दें कि अब शांतनु ईशान को छोड़कर चला जाएगा और ये बात ईशान को बेहद परेशान कर रही है कि पहले उसकी माँ और अब बाप भी उसे छोड़कर जा रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।